तो जैसे कि भैया तो सरदार जी है तो ये लोग तो बस सरदार है। अच्छा सरदार नहीं है तो भी लगा तो सरदार बोल रहे हैं हम गुजर है सरदार नहीं है। सरदार नहीं है क्योंकि यूट्यूब पर सभी देखेंगे तो गुजर तो गुजर ही रहेंगे। सरदार कैसे रहे हो इसमें हमें यहाँ जानते भी सरदार के नाम से ही है। अच्छा कोई पूछेगा जी सरदार जी के यहाँ जाना है लेकिन हम गुजर है प्रॉपर। हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अंजू जादौन। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बिजनेस एक्सप्लोर करने के लिए ट्रेवल करती रहती हूँ और जिस लोकेशन पर मैं खड़ी हूँ देश की 80% आबादी ऐसी जगह से ही बिलोंग करती है। छोटे छोटे से काम करती है, छोटे छोटे कामों में ही वो अपना काफी अच्छा मुनाफा निकाल ले जाती है। यहाँ पर जैसे टायर का काम हो रहा है, मोबाइल कंपनी है, कपड़े की शॉप, किराने की शॉप, कुछ खाने पीने के आइटम है, गिफ्ट आइटम है और यहाँ पर पिज्जा कंपनी भी है। ऐसे ही कामों से वो अपनी घर गृहस्थी चलाते रहते हैं। तो आज मैं ऐसा ही बिजनेस आपके लिए एक्सप्लोर करूंगी कि जो जिस बिजनेस को आप जिस एरिया में रह रहे हो वो एरिया कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, जहां भी हो वहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, आपको कहीं भी मूव करने की जरूरत नहीं पड़े। तो आज मैं यहाँ सामने एंटर कर दी, यहाँ पे जानेंगे कि वो किस बिजनेस को कर रहे हैं और इस बिजनेस को कितने सालों से कर रहे हैं, कितना उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट कमाया भी है या नहीं कमाया है, आपके लिए ये बिजनेस करने लायक है या नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और कुछ हटके बिजनेस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके और इसको शेयर करें अपने पापा दादा मुआ मामा बुआ सभी लोगों के साथ में, जिससे वो आपके बिजनेस को करने में इन्वेस्टमेंट देने में मदद कर सके। तो सर यहाँ मैं मार्केट में घूम रही थी तो देख रही थी मैं अपने व्यूअर्स के लिए कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करती हूँ, बिजनेस बताती हूँ उनको। तो मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? परवीन कुमार जी। तो सर ये आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? ऑयल का, तेल का। तो कितने साल हो गए आपको इस बिजनेस को करते हुए? करते हुए हम हो गए 7-8 साल। 7-8 साल से आप लगातार इसी मशीन को लगाए हुए हैं या इससे पहले आप और भी कोई बिजनेस कर रहे थे? वाली मशीन थी, बोल्ट वाली मशीन। तो आपने बोल्ट वाली मशीन यहाँ पर है क्या? नहीं वो नहीं, वो नहीं है। तो वो कहाँ गई मशीन? वो अपने बुआ के यहाँ दे दी हमने। तो बुआ क्या क्यों दे दी आपने? वो तेल का काम करना चाह रहे थे जी, वो बोले नहीं नहीं मगर पहले इसे चला के देखो फिर ये लगा लेना। तो वो कैसी थी वो मशीन? उसमें 3-4 बार डालना पड़ता था, इसमें एक ही बार में काम हो जाता है। यानी उसमें 3-4 बार ऑयल निकालना पड़ता होगा। तो वो बेस्ट है ये वाली मशीन अच्छी है? बेस्ट है। वो जो मशीन थी उसमें ऑयल का परसेंटेज कैसा था और इस वाली मशीन में ऑयल का परसेंटेज कैसा? इसमें उसमें ऑयल का एक उसमें 33 निकालती है तो 34 निकाल देती है। ये 34 निकालती है तो एक डेढ़ लीटर फालतू ही निकालती है, उससे कम नहीं निकालती। अच्छा तो उसका ऑयल बेस्ट है या इसका ऑयल बेस्ट? इसका बेस्ट है, ठंडा रहता है ऑयल इसका। अच्छा इसका ठंडा रहता है और अगर उसको बार बार निकालते हीट करती है तो वो ऑयल कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता था और यानी ज्यादा खाने लायक नहीं रहता। तो जैसे कि आपने बताया तो उस मशीन में और इसमें मेंटेनेंस का क्या है? इसमें मेंटेनेंस निकलता है या आपने पहले जो ली उसमें मेंटेनेंस? जो पहली वाली थी उसमें तो मेंटेनेंस 3-4 महीने में आ जाता था, इसमें जल्दी आ जाता है। 4-5 महीने हो गए इसमें भी कुछ नहीं कराया। अच्छा इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आता है? अच्छा सर तो ये मशीन आपने कहाँ से परचेज की? ये सिकंदराबाद से। तो आपको पता कैसे चला इस मशीन के बारे में? यूट्यूब पे उनका नंबर था भैया का, शुभम एंटरप्राइजेज के नाम से। अच्छा उनसे कॉल पे बात की फोन पे और जब वहाँ जाके तब लेके आई। अच्छा तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने जैसे इस मशीन का बताया तो ऐसा तो नहीं है कि आपने ये मशीन लगाई और आपने जो मशीन दे दी तो आप ऐसा तो नहीं पछता रहे कि उस मशीन को क्यों दे दिया? बेची नहीं थी इसलिए मैंने। अच्छा बेची नहीं थी? बेची नहीं थी, उन्हें चलाने के लिए दे दी थी, तुम चलाओगे मुझे जरूरत पड़ी मैं वापसी ले लूंगा। अच्छा इससे आपको ऑयल वगैरह ज्यादा निकल रहा होगा? अब उसकी मुझे जरूरत भी नहीं है। अच्छा उसकी जरूरत नहीं है, इसी से संतुष्ट है आप? अच्छा सर तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर आप इतना काम निकाल लेते हो? इतना खर्चा निकल जाता बढ़िया, इतना इस लोकेशन पे इतना वर्क मिल जाता होगा आपको? तो दिन भर में कितना ऑयल निकल जाता है इससे? ये तो एक घंटे में ही 2 क्विंटल 2.5-3 क्विंटल तक भी निकाल देती है। 2.5-3 क्विंटल सरसों? हाँ जी। एक घंटे में? हाँ जी। तो काफी है। हा? तो फिर आपकी जो पूरी घर गृहस्थी है और हाँ ये जिस लोकेशन पे मैं खड़ी हूँ ये रेंट की है या आपकी खुद की प्रॉपर्टी है? ये रेंट की है। रेंट की? हा? तो आपका रेंट निकलता है? हाँ बढ़िया से। तो फिर खर्चे में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ता? कॉम्प्रोमाइज करते तो फिर ये बिजनेस कैसे चलाते? अच्छा वही मैं सर पूछना चाह रही, अगर बिजनेस करके भी हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो फिर तो बेकार है। सही बात, अगर खर्चे भी नहीं चले तो बिजनेस बेकार है। नहीं सही बात है सर, रेंट भी निकले, रेंट के साथ में अपने घर गृहस्थी के जो खर्चे वो भी निकलने चाहिए।
तो सर जैसे कि इस मशीन से आप खुद सरसों परचेज करके तेल निकाल के सेल करते हैं या जो कस्टमर लेके आते हैं उनकी भी सरसों निकाल का तेल निकालते हैं? अपनी भी परचेज करके जो लेके आते हैं उनकी भी निकालते हैं। अच्छा, उनकी भी निकालते हैं। जैसे कि आप अपनी सरसों परचेज करके निकालते हैं या कस्टमर लेके आता है तो आपको प्रॉफिट किस में ज्यादा मिलता है? प्रॉफिट तो अपने में ही ज्यादा होता है, अपना किसान की हमेशा नहीं आती। अपना प्रॉफिट कम भी हो तो कंटिन्यू काम चलता रहता है। अच्छा, और किसान का आज आगे कल नहीं है, बैठे रहेंगे थाली, और अपना है तो कंटिन्यू चलता रहता है। अच्छा, तो मार्केट में जैसे आपको लगातार मिल जाता है सेल करने के लिए? हाँ, यहीं से चला जाता है, यहीं से पूरा चला जाता है। कि मोस्टली लोग चाहते हैं कि हमें सामने मशीन से निकला हुआ सामने निकाल देते हैं, बिना मिलावट का ऑयल मिल जाए, सामने का देते हैं, निकाल के सामने का। अच्छा, सामने निकाल के दे देते हैं आप? तो सर जैसे कि आप इसको जनरेटर से चला रहे हैं या लाइट से चला रहे हैं? जनरेटर से चला रहे हैं। तो जनरेटर से चलाने में आपका खर्चा ज्यादा तो नहीं आ जाता? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लाइट कभी है कभी नहीं है। जनरेटर जब मन करे चला दिया, थोड़ा महंगा पड़ता है लाइट से। अच्छा, रेंट की दुकान है इसलिए हम लाइट से कनेक्शन नहीं हो पाता, तो डीजल से चलाते हैं। तो कितना खर्चा आ जाता है आप जनरेटर से चलाते हैं तो? देखो, दिन भर में जैसा चलता है वैसा डीजल लगता है, काम के ऊपर है। 20 लीटर भी लग जाता है, ज्यादा भी लग जाता है, कम भी लग जाता है। 10 मिनट काम के ऊपर है। जैसे आप दिन भर में ज्यादा ऑयल निकाला तो ज्यादा चलेगा। जैसे लाइट यहाँ कैसी आती, प्रॉपर लाइट आती है क्या? लाइट भी कम आती है। अच्छा, तो आपने ये जो मशीन है के मॉडल कौन सा है, कितने एचपी की? 20 एचपी की है। 20 एचपी की जी। तो आपने 20 एचपी की क्यों ली? छोटी से टाइम ज्यादा लगता है, पूरे दिन लगे रहो इसमें, घंटे 2-3 घंटे में अपना काम की पूर्ति हो जाती है। और दूसरा चक्की भी चलाते हैं, वो भी चल जाती है। अच्छा, आप यहीं पर चक्की भी चलाते हैं? आटा चक्की लगी हुई है हमारी, पीछे में आटा चक्की है। तो जैसे कि मैं इसकी खल देख पा रही हूँ, बिल्कुल पतली है और मैंने हाथ से भी मसल के देखा है तो उसमें ऑयल बिल्कुल नहीं निकल रहा है। और एक ही बार आपने बता रहे हैं, एक ही बार आपने निकाला है, तो किसानों की तरफ से इसका रिस्पांस कैसे आ रहा है? इसकी खल सेल हो रही है कि नहीं हो रही है? इसकी खल उससे अच्छी सेल होती है, इसमें झल नहीं होती खल। हाँ, उसमें झल आती है। अच्छा, वैसे मैंने देखी है खल काफी मोटी होती है, वो मोटी होती है, उसमें झल होती है तो भैंसे नहीं खाती, इसमें झल नहीं होती। अच्छा, इसको भैंसे आराम से खा लेती है? आराम से, क्योंकि इसमें पानी नहीं लगता, सूखी मिलती है सबको। अच्छा, पानी से झल बनती है? अच्छा, बिना पानी से। तो जैसे बिना पानी से आप इसको बनाते हो तो वो ऑयल कैसा रहता है? ऑयल बढ़िया रहता है, कोल्ड प्रेस ऑयल होता है। और पानी वाला? पानी वाला भी उस सादा वाले में दोबारा 2-3 बार डालते हैं तो हॉट प्रेस हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसको कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं? ज्यादा स्टोर नहीं कर पाते होंगे तेल को? हाँ, स्टोर तो कोई सा भी कर लो, स्टोर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्राहक की पसंद की बात है। हाँ, कोई कहता है मुझे ठंडा एक ही बार का चाहिए, तो इसमें एक ही बार का निकलता, दो बार निकालने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, एक बार का ज्यादा अच्छा रहता है, कि मोस्टली अपन घर में भी ऑयल लेके आते हैं, एक बार अगर उसमें पूरी तल ली तो कोशिश करते हैं कि दोबारा उसको यूज ना करें। उस मशीन में और इस मशीन में आपको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं गई, जैसे टेक्निकली कि आपने सही नहीं कर पाया और 2-4-10 दिन के लिए आपका काम बंद हो गया? इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। अच्छा, अभी बिल्कुल ठीक चल रही है? बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हमारे व्यूअर्स इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहेंगे क्या? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई काम नहीं है तो इससे अच्छा कोई काम भी नहीं है। अपना बिजनेस कभी चलाओ कभी बंद करो, जब मन आए तब चलाओ और अपना आराम से और ठीक से करेंगे तो अपना बढ़िया खर्चा चलेगा। अगर टाइम बाई टाइम करोगे तो देखो कोई भी काम है चलता नहीं। नहीं, सही बात है सर, कोई भी काम कोई भी हो मेहनत तो लगती है, टाइम टेबल हर चीज के लिए जरूरी है। हम इसे करें तो इसमें खर्चा बड़े आराम से निकल जाता है, तो दिक्कत नहीं है। और अगर जॉब करने के लिए जाते हैं तो सुबह के 9 से शाम के 7-8 बजे तक उतने ही टाइम वही टाइम देना पड़ता है। इसमें आधा टाइम भी अगर दे देंगे ना तो भी काफी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर उतना टाइम दोगे तो जॉब से काफी अच्छे रहेंगे, जॉब से ज्यादा अर्निंग हो जाएगी। भले ही जॉब की तरह आप महीने में 4 दिन छुट्टी कर लेते, दिक्कत है, पर छुट्टी का दिन फिक्स होना चाहिए, मगर ये नहीं कि आज खोली कल बंद कर दी। तो आपके पूरे हफ्ते में पूरे हफ्ते चलाते हो कि रेस्ट भी लेते हो? कोई रेस्ट नहीं है, नहीं, पूरे हफ्ते लगातार 12 घंटे की ड्यूटी है। तो 12 घंटे लगातार आपको काम मिलता रहता है? 12 घंटे की ड्यूटी है, 10 से 10। अच्छा, सुबह 10 चालू करेंगे, शाम को 10 तक है। दिन में 5-4 बजे तक स्पिलर चलाते हैं, उसके बाद चक्की चलती है। अच्छा, उसके बाद आप चक्की चलाते हैं। तो फिर जैसे कि अभी मैंने इस बिजनेस के बारे में बताया, जैसे कि अभी भैया ने बताया है कि जहाँ से इन्होंने मशीन परचेज की है वहीं का एड्रेस और फोन नंबर वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अपना कॉन्टेक्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कुछ नए बिजनेस आइडिया में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया और हैव अ नाइस डे।